नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, आज के एरा में जहां पे मेंटल इश्यूज बहुत कॉमन है, स्ट्रेस, एन्जाइटी, डिप्रेशन नॉर्मल है, आजकल तो बच्चे भी बोल देते हैं कि स्ट्रेस है, तो आज हम ये समझेंगे कि स्ट्रेस एक्चुअली होता क्या है और स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना चाहिए। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रेस की है और जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है वो ओवर थिंकिंग है। तो इस वीडियो में दोनों चीजों को हम समझेंगे, हम ओवर थिंकिंग को भी समझेंगे और हाउ टू हैंडल स्ट्रेस इसको भी समझेंगे। दोस्तों, जो लोग 90s में स्कूल जाते थे, मैं भी 90s में स्कूल जाता था, उस समय क्या स्ट्रेस नाम की कोई चीज होती थी? क्या कभी बात करने में हम अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से या अपने दोस्तों में कभी सुनते थे स्ट्रेस वर्ड? स्ट्रेस वर्ड सुनाई नहीं देता था। एक वर्ड होता था टेंशन, टेंशन बहुत है। बट वो टेंशन कैसे स्ट्रेस में बदल गया? शायद कभी किसी ने वर्ड यूज कर लिया होगा स्ट्रेस, और लोगों ने उस वर्ड को पकड़ लिया और बोलना शुरू कर दिया स्ट्रेस है, स्ट्रेस है, और स्ट्रेस बहुत कॉमन हो गया। और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में शायद इस स्ट्रेस वर्ड भी टेंशन की तरह गायब हो जाएगा और स्ट्रेस वर्ड को रिप्लेस कर देगा डिप्रेशन, और लोग बोलना शुरू कर देंगे कि आई एम वेरी डिप्रेस्ड। तो जैसे टेंशन टू स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस टू डिप्रेशन हो जाएगा। तो दोस्तों, जब हमारे माइंड में थॉट्स जनरेट होते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ओवर थिंकिंग के पैटर्न में होते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। कोई बात हुई नहीं कि वो सोचने लगे, उस पर सोचने लगे, कई सारे थॉट्स उनके माइंड में आ गए, और जैसे ही वो बात खत्म हुई अगेन वो थॉट्स का पैटर्न चलता रहा। किसी से मिलते हैं तो कोई उनको सलाह देता है कि ये काम करो, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करो, अपने को बिजी रखो, इस ओवर थिंकिंग से तुमको स्ट्रेस हो सकता है, तो इस स्ट्रेस से बचने के लिए, इस ओवर थिंकिंग से बचने के लिए डिस्ट्रैक्ट करो खुद को। तो हम क्या करते हैं, हम डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम फ्री नहीं रहना चाहते हैं। आज लोगों से पूछिए कि स्ट्रेस से, टेंशन से, ओवर थिंकिंग से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपको बहुत सारे लोग ये कहेंगे अपने को काम में, किसी न किसी काम में बिजी रखो। बट दोस्त ये बताइए, अगर आपके बॉडी में कहीं पेन है, कहीं दर्द है, उस समय उस दर्द का अनुभव कर रहे हैं आप, उस दर्द को फील कर रहे हैं, लेकिन तभी आपका मन किया कि मैं टीवी ऑन करके कुछ अपना फेवरेट मूवी देखता हूं, आपने मूवी देखनी शुरू की, एक मूवी देखी, फिर आपको लगा ये बहुत अच्छी थी, दूसरी मूवी देखी, सपोज दो मूवी, तो 4-5 घंटे अगर आपने टीवी देखा, उस समय आपको दर्द का एहसास नहीं हुआ। और घर में अक्सर आप सुनते होंगे बच्चों को पेरेंट्स बोल देते हैं कि अच्छा तू तो टीवी देख रहा था तब तो तुझे दर्द नहीं हो रहा था, अभी पढ़ाई करने की बात आई, अभी कुछ और करना हुआ तो तुझे दर्द होने लगा। तो दोस्तों, मेरा सवाल ये है कि क्या वो दर्द जो था वो घट रहा था, वो बढ़ रहा था, या वैसे ही था? तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि वो दर्द कहीं गया नहीं था, वो दर्द वहीं था, और रादर वो बढ़ रहा होगा, लेकिन हम क्या कर रहे थे, हम उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, हम उससे अलग थे। हमारा माइंड कहाँ लगा हुआ था, उस मूवी में लगा हुआ था, टेलीविजन में लगा हुआ था, इस वजह से उस टाइम तक हमें दर्द का एहसास नहीं हुआ। जैसे ही हमने रिमोट से टीवी को ऑफ किया, अचानक से वो दर्द हम फील करने लग गए। तो इसका मतलब कि इसका वो इलाज नहीं है कि कुछ ना कुछ में अपने को बिजी रखो, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन में लगाओ। कई लोग कुछ और भी करते हैं, लोग ड्रिंक करते हैं, लोग स्मोक करते हैं, और भी बहुत सारी आदतें होती हैं जिनको लोग यूज करते हैं अपने को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, स्ट्रेस से, ओवर थिंकिंग से निकालने के लिए, जो कि सही तरीका नहीं है। तो दोस्तों, हमारे माइंड में थॉट्स जब जनरेट होता है किसी भी रेस्पॉन्स से, तो ये स्टिमुलस है और ये रेस्पॉन्स है। स्टिमुलस क्या है, आउटर वर्ल्ड से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से वो स्टिमुलस जनरेट हुआ, और रिस्पॉन्स क्या है उसका, रिस्पॉन्स है कि आपके माइंड में है, उसके लिए एक थॉट क्रिएट हुआ और आपने सोचना शुरू किया। और जो ओवर थिंकिंग में होते हैं वो उसको बहुत ज्यादा सोचते हैं, कई बार वो घंटों सोचते रहते हैं एक प्रॉब्लम पे, एक इश्यू पे, एक बात पे, जिससे उनका मेंटल वेलबींग
डिस्टर्ब होता है, डिटोरिएट होता है। तो दोस्तों स्ट्रेस होता क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने बोला 90s में स्ट्रेस नाम का वर्ड नहीं था, सिर्फ टेंशन, हम लोग बात करते थे टेंशन थी। उस समय स्ट्रेस सिर्फ फिजिक्स के बुक में था। तो स्ट्रेस कहां था? स्ट्रेस फिजिक्स में था। हम पढ़ते थे स्ट्रेस क्या होता था। तो स्ट्रेस का एक फॉर्मूला था उस फिजिक्स की बुक में जब हम लोग 90s में पढ़ते थे। स्ट्रेस का फॉर्मूला ऐसे आज भी यही है, बट लोग इसको या तो जानते नहीं है या समझ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों स्ट्रेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला था प्रेशर, प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। अब इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिए कि कैसे ये आपकी लाइफ में हेल्प कर सकता है ये फॉर्मूला। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस, ये हम फिजिक्स में पढ़ते थे। तो प्रेशर क्या है? प्रेशर आउटर वर्ल्ड से आता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आता है प्रेशर। और रेजिलियंस क्या है? इनसाइड, मतलब आउटसाइड का प्रेशर और आपका इनर पावर, इनर स्ट्रेंथ, उससे मिलके क्या बनता है? स्ट्रेस। सो दोस्त आजकल की लाइफ में ये नहीं घटने वाला प्रेशर, ये तो और बढ़ेगा। एजुकेशन का प्रेशर, सोशल प्रेशर, जॉब का प्रेशर, बिजनेस का प्रेशर, ये क्या है? आपको लगता है आने वाले टाइम में ये घटेगा? नहीं, ये बढ़ेगा। मतलब क्या है? ये अब विद द टाइम बढ़ेगा। तो जब ये बढ़ेगा तो अभी हम क्या सोचते हैं? लोग बोलते हैं बहुत स्ट्रेस है, पूछते हैं क्यों स्ट्रेस है? प्रेशर है, टेंशन है। तो क्या है ये? चूंकि बढ़ते जा रहा है क्योंकि ये एक्सटर्नल है, ये बढ़ रहा है, इसकी वजह से ये बढ़ रहा है। बट अगर ये बढ़ना है तो बढ़ रहा है तो हमें किस पे काम करना है? हमें इस पे काम करना है, रेजिलियंस पे, अपने इनर पावर पे काम करना है, अपने इनर स्ट्रेंथ पे काम करना है। तो अगर प्रेशर ज्यादा भी है लेकिन अगर मेरा इनर पावर अच्छा है, मेरी इनर स्ट्रेंथ अच्छी है, तो मेरा स्ट्रेस क्या होगा? लेस होगा। लेकिन अगर प्रेशर ज्यादा, क्योंकि प्रेशर तो ज्यादा रहने वाला है, प्रेशर और बढ़ने वाला है, और मेरा रेजिलियंस या इनर स्ट्रेंथ अगर कम है तो प्रेशर फिर क्या होगा? प्रेशर फिर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली स्ट्रेस भी बढ़ेगा, क्योंकि रेजिलियंस तो हम बढ़ाए नहीं। अब दोस्तों मैं एक आपसे सवाल पूछूं कि ये बोर्ड हल्का है या भारी है या बहुत भारी है? आप कहोगे ये क्या सवाल है? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये बोर्ड हल्का है या भारी है ये डिपेंड करता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। अगर मेरी स्ट्रेंथ ज्यादा है, अगर मैं स्ट्रांग हूं, तो ये मेरे लिए हल्का हो सकता है। बट कोई पर्सन जिसका स्ट्रेंथ कम है उसके लिए ये भारी हो सकता है, और एक बच्चा जिसका स्ट्रेंथ और कम है उसके लिए बहुत भारी हो सकता है। हमारे थॉट्स के साथ भी एग्जैक्ट यही होता है। मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हैं, आपके साथ 10 और लोग हैं, आपके जॉब की मीटिंग हो सकती है, बिजनेस की मीटिंग होती है, आपकी क्लासेस हो सकती हैं, या कोई सोशल गैदरिंग हो सकता है, उसमें ऑल ऑफ अ सडन कोई सिचुएशन अराइज होती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्या सबके माइंड में सेम थॉट्स आएंगे? क्या सब एक ही बात सोचेंगे? नहीं, हर इंसान, हर इंडिविजुअल उस सिचुएशन को अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, अलग अलग तरीके से एनालाइज भी करेगा और अलग अलग तरीके से रिएक्ट भी करेगा। तो इसका मतलब यह है कि थॉट कैसा जनरेट करना है, कैसा क्रिएट करना है, ये किसके हाथ में है? ये हमारे हाथ में है, उस सिचुएशन के हाथ में नहीं है। कई बारी दोस्त आप देखो, हम गुस्से में या हीट ऑफ द मोमेंट में किसी को कुछ कह देते हैं,
या शायद गलत तरीके से रिएक्ट कर देते हैं। बट थोड़े टाइम बाद हमें रियलाइज होता है कि उस वहां पे मैं थोड़ा और अच्छे से बिहेव कर सकता था, वहां पे मैं अपने थॉट को और अच्छे से मैनेज कर सकता था। मतलब क्या है, आफी ने तब भी सोचा था और आफी ने अभी भी सोचा, मतलब थॉट के क्रिएटर आप हो, तो कंट्रोल किसके पास है, आपके ऊपर है। तो आपने स्ट्रेस समझा, आपने ओवरथिंकिंग समझा, अब सोचो या अब समझने की कोशिश करते हैं कि इससे बचना कैसे है। दोस्तों सबसे पहले तो ये फॉर्मूला आप याद कर लो, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाई रेजिलियंस। और हमें किस पे काम करना है, अपने रेजिलियंस पे काम करना है, अपने इनर पावर पे काम करना है, अपने इनर स्ट्रेंथ पे काम करना है। अगर ये ज्यादा हुआ, ये स्ट्रांग हुआ, तो हमारा स्ट्रेस ऑटोमेटिकली डाउन होगा, कम होगा। दूसरा आपने क्या करना है, आपने एक और प्रिंसिपल समझना है, जब भी कोई सिचुएशन आती है आपके पास, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आपने क्या करना है, थिंक लेस एंड थिंक राइट। इसको याद कर लो दोस्तों, अगर आपको ओवर थिंकिंग के पैटर्न से बचना है तो आपने क्या करना है, थिंक लेस एंड थिंक राइट। इस प्रिंसिपल को अपने लाइफ में, इस फॉर्मूले को अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करना है, अप्लाई करना है। थिंक लेस एंड थिंक राइट पहला प्रिंसिपल, ठीक है। और आप देखो, हम ओवर थिंकिंग के पैटर्न में इसलिए जाते हैं, और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है ये कि हम उस प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना देते हैं या बड़ा समझ लेते हैं, इस वजह से भी हम ओवर थिंकिंग के पैटर्न में जाते हैं। आप कुछ भी खरीदने जाते हो तो आप सबसे पहले क्या देखते हो, उसका प्राइस टैग, उसका प्राइस टैग कि कितना टैग है उस पर, कितने का प्राइस लगा हुआ है, क्या उसका प्राइस है, उस प्राइस से डिसाइड करते हो कि ये महंगा है या सस्ता है, करेक्ट। प्रॉब्लम को जैसे ही कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई या सिचुएशन हमारे सामने आती है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस पर क्या लगाते हैं, अपना टैग लगाते हैं। तो तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल मैं आपको देता हूं कि अपने प्रॉब्लम्स पे बड़ा टैग नहीं लगाइए। अगर उस पर बड़ा टैग लगाते हैं, आप उसको बहुत बड़ा बना देते हैं, फिर जितना बड़ा टैग उतनी ज्यादा ओवरथिंकिंग। तो आपने क्या करना है, अपने प्रॉब्लम पे छोटा टैग लगाइए और इस पे काम कीजिए, थिंक लेस एंड थिंक राइट। और आपका अगर टैग सही है अपने प्रॉब्लम पे और ये अगर आपने अप्लाई किया है, तो आप क्या मैनेज कर सकते हैं, स्ट्रेस। और स्ट्रेस कैसे मैनेज होगा, आपको डिनोमिनेटर जो है उस पे ज्यादा काम करना है, रेजिलियंस बढ़ाएंगे, अपने इनर पावर को बढ़ाएंगे, इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, तो ओवरथिंकिंग और स्ट्रेस से बचेंगे आप। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपकी मदद करेगी और आप खुद की और अपनों की हेल्प करेंगे ओवरथिंकिंग और स्ट्रेस से बचने में। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, सो दैट जो भी मेरी नई वीडियोस आती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। नमस्कार।